हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है तुहाडा साडे यूट्यूब चैनल पैरी स्टडी ऑनलाइन ते। तो जो आप अज टॉपिक करन जा रहे हैं, एक थ्योरम करन जा रहे हैं, सर्कल चैप्टर पंजाबी विच चक्कर चैप्टर है। थ्योरम 10.8 है, 10.8 थ्योरम है। तो पंजाब बोर्ड दे विच 6 नंबर की पक्की आउंदी है। CBSE बोर्ड जो स्कूल दे विच पेपर आउंदे आ, हर स्कूल इस थ्योरम नूं प्रैफर जरूर करता है। 4 नंबर दी थ्योरम पक्की आउणी है। तो देखो आप थ्योरम सब तो पहला पढ़ांगे की है। प्रूव दैट एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ सर्कल एट सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ अ सर्कल। देखो थ्योरम की कह रही है, कहता एक सर्कल है। सब तो पहला देखो आर्क की होंगी है। आर्क होंगी है पोर्शन ऑफ सरकमफेरेंस, जिहड़ा परिमाप है चक्कर का परिमाप, उनका कुछ हिस्सा। इत्थे मैं एक आर्क बनाती ए बी एक आर्क है, आ वाली एक आर्क है, ठीक है। एक की है चक्कर का केंद्र है, ठीक है। एक तो कौन बना रही है, केंद्र दे जिहड़ा कौन बन रहा है, केंद्र दे उपर बन रहा है, सर्कल दे सेंटर दे उपर बन रहा है, ठीक है। यही आर्क एक बाकी पॉइंट ते बना रही है, पॉइंट नूं नाम की देता मैं सी। देखो जिहड़ी आर्क ए बी है, एक तो केंद्र दे चक्कर बना रही है, एक जिहड़ी ए बी है एक सी नाल उपर एंगल बना रही है। आपां इह सिद्ध करना है जिहड़ा आह वाला एंगल है इस वाले एंगल का की है, डबल है, ठीक है। देखो गिवन की है, सब तो पहला आपां नूं दित्ता की है, ओ इज सेंटर ऑफ अ सर्कल। ओ की है चक्कर का केंद्र है, पंजाबी जे लिखना तुसीं लिख सकते हो, ओ चक्कर का केंद्र है। ओके, सिद्ध करना या टू प्रूफ, प्रूफ की करना आपां, एंगल ए ओ बी दुगुणा किंदे तो ए सी बी तो। जिहड़ा एंगल ए ओ बी है ना, एंगल ए सी बी का की है, डबल है। हुण आपां कंस्ट्रक्शन रचना करांगे, रचना की है अपने कोल, कंस्ट्रक्शन जॉइन ओ सी एंड एक्सटेंड इट। ओ ते सी नूं मिलाया ते उस तो बाद अगे वधाता, थोड़ा जिहा अगे वधाउणा, ठीक है, इत्थे तक वधाता। हुण देखो आपां नूं किवें करांगे, अप्रोच देखो अपनी। आपां गिवन दे विच दो तीन चीज़ां होर लिखांगे। देखो ओ ए किंदे बराबर है, ओ बी दे, ओ ए बराबर ओ बी बराबर की है ओ सी। ये क्यों लिखा, क्योंकि चक्कर दे की है अर्ध व्यास है। देखो ओ तो ए तक अर्ध व्यास है, रेडियस है, ओ तो बी तक रेडियस है, ओ तो सी तक रेडियस है, ये तिन्ने अपने कोल की है, रेडियस है। हुण इहनूं सौखा बनाउण वास्ते आपां कोण नूं नाम देता, एक दो तीन चार पाँच ते छे। मैं छे कोण बनाते, एक दो तीन चार पाँच ते छे। हुण आपां इहनूं होर सौखा बनाउण वास्ते थल्ले दो ट्रैंगलां बनावांगे। ए ट्रैंगल बन गई मेरे कोल, ठीक है। ट्रैंगल का नेम की है, ए सी ते ओ, ठीक है। ए सी ते ओ बन गई। ए कोण की है पंज, ए कोण एक, ए कोण की है दो। मैं सौखा बना रहा तां मैं लिखिया इहनूं थल्ले एक अलग त्रिभुज बना ली, अलग ट्रैंगल बना ली, ए सी ते ओ। ए कोण पंज है, एक है, ये दो है। देखो ये वाला पंज है, ओ दे नाल एक दे नाल की है, सॉरी ओ दे नाल पंज है, ए की है एक दे नाल, सी किंदे नाल है, दो दे। ओके, हुण देखो ये वाला कोण कहड़ा, बारी कोण। आपां पढ़िया सी बारी कोण अंदरूनी कोण है, बारी कोण है दो की है अंदरूनी कोण, एक्सटीरियर एंगल ए दो की है इंटीरियर एंगल। आपां लिखांगे इन ट्रैंगल ए सी ओ, एंगल फाइव का दे इक्वल है एंगल एक प्लस दो। जिहड़ा बाहरी कोण है ना, वह की है अंदरूनी कोणों के जोड़ के बराबर आता है। आपां इहनूं नाम की देंगे, एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, बाहरी कोण, ठीक है। इहनूं पंजाबी च लिख सकते हो बाहरी कोण। ये की बन गया अपने को, समीकरण नंबर एक। इस तरीके आपां एक होर थ्योरम ट्रैंगल बनावांगे, त्रिभुज बनावांगे। ओ इत्थे बी आ गया, इत्थे की आ गया सी। ए किहड़ा कोण है छे, बी वाला कोण किहड़ा कोण है चार, ए अपने कोल की है तीन, ठीक है। इस तरह अपने कोल की आ गया कोण छे किंदे बराबर आ गया, कोण तीन प्लस कोण चार। ये भी आपां कारण सेम लिखांगे, कारण की है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, बाहरी कोण अंदरूनी कोणों के जोड़ के बराबर होंदा, ठीक है। हुण आपां इहनां नूं जोड़ देंगे, एड वन एंड टू।
आप एक ते दो नू जोड़ना है, क्यों जोड़ना है, क्योंकि ए ओ बी इन्दे विच केड़े केड़े कोण आ रहे, कोण पंज ते छे, पंज ते आ वाला छे, दोवां जुड़ के बनेगा ए ओ बी, तो आप दोवां नू जोड़ दांगे, कोण पंज प्लस कोण छे का दे बराबर आ गया कोण एक प्लस दो प्लस तीन प्लस चार, खब्बा पासा खब्बे नाल जुड़ेगा, सज्जा पासा सज्जे नाल, लैफ्ट हैंड साइड लैफ्ट नाल ऐड हुंदी है, राइट हैंड साइड राइट नाल ऐड हुंदी है। हुण एक चीज़ तुसीं ध्यान नाल देखियो, जिहड़ा ओ ए है ओ सी दे बराबर है, आ लिखिया पिया ओ ए ओ सी दे बराबर है, क्यों बराबर है, क्योंकि दोवें की है अर्धव्यास, जदों दो किसी ट्रैंगल दे विच दो साइड इक्वल हुंदियां ते उन्हां दे ओपोजिट एंगल भी की हुंदे आ इक्वल, ओ ए किहदे इक्वल है ओ सी दे, ठीक है, सो जिहड़ा एंगल एक है किहदे बराबर आ गया दो, ये आप कारण की लिखांगे रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, इत्थे कारण की दांगे कोण एक कोण दो दे बराबर क्यों है, एंगल अपोजिट टू, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, देखो दो भुजावां ओ ए ओ सी दे बराबर है ते इहदे सामने कोण की है कोण एक किहदे बराबर है कोण दो दे, सिमिलरली इस तरह कोण तीन किहदे बराबर हो जाएगा चार दे, क्योंकि जिहड़ा ओ बी है वह भी ओ सी दे बराबर है, तो कोण तीन ते कोण चार भी की होणगे बराबर, हुण देखो एक दो दे बराबर हो गया तीन चार दे बराबर हो गया, पर मैनू किहड़े किहड़े कोण दे नाल मतलब है, एक नाल ते दो नाल, ना ही मैनू एक चाहिए ना ही मैनू चार चाहिए, तो जिहड़ी आ चीज़ है इत्थे आपां लिखांगे कोण पंज प्लस छे, जिथे एक है उत्थे आ गया कोण दो, कोण दो तो पिया ही है तीन, जिथे चार उत्थे भी की आ गया तीन, एक नू भी हटाता चार नू भी हटाता, एक दी जगह किन्ना लिखा दो ते चार दी जगह किन्ना लिखा मैं तीन, हुण दो बरा दो आ रहा तो दुगुना कोण दो, दो बरा कोण तीन आ रहा तो दुगुना कोण तीन, दोवें चीज़ा दो दो बारी आ रही, दुगुना दो हो गया दुगुना ही किया तीन हो गया, इन्हां विचों दो सांझा कर लिया बाकी की बच गया कोण दो प्लस कोण तीन, दोवों विच दो है दो की आ गया कॉमन बाकी की बचा कोण दो प्लस कोण तीन, हुण देखो कोण दो ते कोण तीन किहड़ा बना रहे ए सी बी, तो इत्थे किन्ना आ गया ट्वाइस एंगल ए सी बी, कोण पंज ते कोण छे, पंज ते छे किहड़ा बना रहे ए ओ बी, कोण ए ओ बी, ये आपां ही की है सिद्ध करना सी, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ओके, पंजाब बोर्ड 6 नंबर सी बी एस ई 4 नंबर की पक्की आँदी, कोई भी स्कूल है कोई भी टीचर है इस थ्योरम नूं जरूर पाउंदा है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 100% अकाल अकैडमी के पेपर के इन्हें जरूर आना ही होना हर साल, ठीक है, इसलिए इन्हें ध्यान नाल समझना, आपां प्रूव करना सी कौन पंज ते छे दोवां दा जोड़ मतलब ए ओ बी किहदा दुगुना है, कौन दो ते तीन मतलब कौन ए सी बी, ये आप सिद्ध करता, ठीक है, दो प्रॉपर्टी इतने यूज़ की है, एक तो बाहरी कौन एक्सटरनल एंगल वाली, उस तो बाद की आप लिखा एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, जदों दो साइडा इक्वल होंगे तो उन्होंने सामने वाले कौन भी की होंगे आपस में बराबर, ये दो ट्रैंगलों क्यों बनाइया अलग, क्योंकि क्वेश्चन आपको आसान बनाना है आसानी नाल, हम देखो इतों का कंपलैक्स जहाँ डायग्राम है इनू आप अलग बना लिया, ठीक है, ताकि चंगी तरह आपको समझ आ जाए।